हेलो दोस्तों, नोडेट ये जो मॉडल है नोडेट है। यहाँ पे देखो ऑटो एम्पियर बन रहा है कुछ इस तरह, 1.2 ऑटो एम्पियर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट है, आपका बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट नहीं देखेगा, सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट देखेगा, या तो पावर आईसी के आसपास में या दूसरा जगह में हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा मीटर से, चेक करने के लिए मीटर रखना है बाजार मोड पर और हर एक एरिया में देखना है कहाँ पे शॉर्ट है। और ये जो शॉर्ट है 99% आपका कैपेसिटर शॉर्ट निकलता है, क्योंकि कैपेसिटर लीकेज होने की वजह से शॉर्ट हो जाता है। तो ज़्यादा सिरखनी इसमें नहीं करेंगे। अगर पावर एसी के आसपास में शॉर्ट मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो टीना वगैरह को काटना पड़ता है ना। ज़्यादा सिरखनी नहीं करेंगे, देखेंगे पहले नॉर्मली तरीक़ा से। यहाँ पे पावर ऐसी है, साउंड ऐसी है, यहाँ पे अच्छे से चेक करना है। दूसरे साइड में चार्जिंग ऐसी है, नेटवर्क ऐसी है। थोड़ा बहुत मीटर से चेक करके देखेंगे, अगर कहीं पे डाउट लगे कि यहाँ पे शॉर्ट है तो आपको उस चीज़ को नहीं निकलना है। आपको हम पहले ही बोला था बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट नहीं है। अगर बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट होता तो डीसी पावर सप्लाई में 5 या तो 4 एम्पियर शो होता। तो डीसी पावर सप्लाई में क्या शो हो रहा था? 1.8, 1.2 इस तरह कुछ शो हो रहा था, है ना। तो इसका मतलब है सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट। अगर 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस तरह लेते हैं तो सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट है, ठीक है, इतना बात याद रखना। तो दोस्तों पावर एसी के आसपास में हर एक जगह में अच्छे से देखना है, कहीं ना कहीं आपको तो शॉर्ट मिलेगा। अगर ऑटो एम्पियर बन रहा है तो कहीं ना कहीं पे 110% शॉर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे लग रहा है शॉर्ट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लग रहा है शॉर्ट है। तो डायरेक्ट यहाँ का जो कैपेसिटर है डायरेक्ट नहीं निकलना है, आपको रोजिन का धुआं यूज करना है। हर एक मदरबोर्ड में फैला दो रोजिन का धुआं इस तरह। दूसरा कोई और पे भी शॉर्ट हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज हमने चेक किया मीटर से वही शॉर्ट है। जहां जहां आपको डाउट लगे हर एक एरिया में लगा दो रोजिन का धुआं, फिर आप डीसी पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं कहाँ पे हिट हो रहा है। बहुत ही आसान तरीका है शॉर्ट को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे देखो ये साउंड आईसी के आसपास में हिट हो रहा है, ये शायद साउंड आईसी होगा, इसके आसपास में हिट हो रहा है। तो 100% श्योर होने के लिए आपको अच्छा से दिखाएगा कौन सा चीज एक्चुअल में शॉर्ट है। यहाँ पे देखो ये पे दो कैपेसिटर हीट हो रहा है और साउंड ऐसे हीट हो रहा है ना। दोबारा रोजिन का धुआं यूज करना है और देखना है पहले कौन सा चीज हीट हो रहा है। जो चीज पहले हीट हो रहा है वही खराब है। तो अभी डीसी करते हैं ऑफ और पहले डीसी केबल लगाएगा, उसके बाद डीसी को ऑन करेगा और ध्यान से देखना है। अभी डीसी पावर सप्लाई ऑफ है, अब करते हैं ऑन और देखते हैं पहले कौन सा हीट हो रहा है। यहाँ पे देखो पहले कैपेसिटर हीट हो रहा था और ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इसको रिमूव करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।